जम्मू में स्वतंत्रता दिवस का समारोह मिनी स्टेडियम परेड में आयोजित किया जाएगा और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा के लिए पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जम्मू शहर में अतिरिक्त त्वरित कार्रवाई दलों को भी तैनात किया है। जम्मू में मुख्य समारोह मिनी स्टेडियम परेड में 15 अगस्त के दिन आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी कुछ सील कर दिया गया है। इस बार के समारोह में कोविड के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल नहीं होंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए मार्च पास्ट में भी प्रतिभागियों की कम संख्या को ही इजाजत दी गई है। इस बार के समारोह की खास बात यह रहेगी कि इस बार 15 अगस्त के दिन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा और गुरुवार को मिनी स्टेडियम परेड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस को मात्र एक दिन ही बचा है तो फुल ड्रेस रिहर्सल में मार्च पास्ट किया गया और साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी की गई कि जो भी परेड को देखने के लिए आएंगे या जिन्हें अनुमति होगी, बिना मास्क के किसी को भी परिसर कॉम्प्लेक्स में एंटर करने की इजाजत नहीं होगी। आज आयोजित की गई फुल ड्रेस रिहर्सल की सलामी डिवकॉम संजीव वर्मा ने ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जवान भी मास्क पहनकर ही मार्च पास्ट कर रहे हैं। उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। हमारे स्वतंत्रता दिवस जो 15 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे मुल्क में मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू प्रांत का जो फंक्शन जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में होगा, जम्मू प्रांत का जो भी फंक्शन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शन मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज ड्रेस रिहर्सल थी, सबने अच्छी तरह तैयारी की गई, मार्च पास्ट और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर उनका किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बार हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बैंड्स का डिस्प्ले भी प्री रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है लार्ज स्क्रीन्स के ऊपर। तमाम इंतजाम सिक्योरिटी के या जो इनवाइटीज हैं गेस्ट हैं उनके लिए किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिवस आने वाला बड़ा मंगलमय होगा और सब लोगों के लिए खुशियाँ आएगा। तमाम इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी के लिहाज से या जो भी जरूरी हैं इस सिलसिले में वो कर दिए गए। सर परसों किस तरह से तैयारी की गई है मैंने जैसे बताया कि हर तैयारी की गई है। मार्च पास आपने देखा है, ना केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि जो हमारा कोविड पेंडेमिक है उसकी दृष्टि से भी सब इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों ने मास्क पहना है, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने देखा होगा मास्क पहन के कर रहे हैं और पूरी एनर्जी उनमें दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि तैयारियाँ वैसे ही जैसे हम हर साल करते हैं।